छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल कड़वा में पिछले 24 घंटों में 18 डेथ्स रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें अगर इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन अगर हमने देखा तो ठाणे में से 6 पेशेंट आए थे और कल्याण में से 4, शाहपुर से 3, भिवंडी उल्लासनगर गोवंडी मुंबई नसाकी नाका यहाँ से 1 पेशेंट और 1 अननोन पेशेंट यहाँ पे आया था। सो दिस इज सर्टनली एन अनफॉर्चुनेट इवेंट। इसका अगर प्रिलिमिनरी जो ट्रीटमेंट दिया गया था जा रहा था उसका डायग्नोसिस देखा गया, एक फैक्ट हमें देखनी चाहिए, ये पेशेंट जो आए थे ये इसमें से कुछ पेशेंट कुछ दिनों से यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे थे, किसी को 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, इस तरह से कालावधि हुआ था। ये पेशेंट का प्रिलिमिनरी कॉज ऑफ डेथ डायग्नोसिस जो उन्होंने किया था वो अगर देखा जाए तो वेरियस कॉजेस आर सीन, लाइक क्रोनिक किडनी डिसीज, पैरालिसिस स्ट्रोक के 2 पेशेंट थे, क्रोनिक लंग डिसीज के 2 पेशेंट थे, इस्केमिक हार्ट डिसीज के 2 पेशेंट थे, अल्सर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, निमोनिया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का 1 पेशेंट था, केरोसिन पॉइजनिंग का 1 पेशेंट था, सेप्टिसिमिया, फीवर, इसके कुछ पेशेंट थे। इस बैकग्राउंड पे ये सारी चीज़ें जो है, जिसमें जो अनफॉर्चुनेट हमें यहाँ पे 18 डेथ्स रिपोर्ट हुए हैं, इसके बारे में सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझसे संवाद करके इस इंसिडेंस की पूरा इन्फॉर्मेशन ली है। उसके बाद उन्होंने कलेक्टर साहब से चर्चा की और स्टेट के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे भी चर्चा की। इस चर्चा के बाद इस पूरे मैटर का एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, जिसके जरिए वेरीफाई किया जाए कि जो ट्रीटमेंट दी गई वो ऑप्टिमम ट्रीटमेंट थी या नहीं, और बाकी हॉस्पिटल्स ने जो भी ट्रीटमेंट दी थी, क्योंकि कुछ पेशेंट इसमें रेफर किए गए वो कौन से कंडीशन में रेफर हुए थे, ये सारी लिंक होती है, ये सारी चीजें वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार आयुक्त तो आरोग्य सेवा जो स्टेट के होते हैं अधिकारी, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी जिसमें जिलाधिकारी रहेंगे, मनपा आयुक्त रहेंगे, संचालक आरोग्य सेवा जो महाराष्ट्र राज्य के होते हैं वो रहेंगे, और जेजे हॉस्पिटल के एक इंटेंसिविस्ट होते हैं, आईसीयू के एक्सपर्ट वो रहते हैं, और उनके जरिए ये इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, ये वेरीफाई किया जाए। सर, नेगलिजेंस का आरोप है पर एक बार शांति है, जो पेशेंट्स के परिवार वालों के जरिए जो नेगलिजेंस का आरोप किया गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। एक चीज समझना जरूरी है, हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट दी जाती है तब एक्सपेक्टेड होता है कि उसको ऑप्टिमम ट्रीटमेंट दी जाए, ऑप्टिमम ट्रीटमेंट देते समय उसमें कोई भी निग्लिजेंस ना हो, और निग्लिजेंस अगर होता है वो बहुत गंभीर समस्या होती है। इसीलिए ये सारी चीजें इम्पार्शियली इन्वेस्टिगेट हो, इसलिए मुख्यमंत्री महोदय ने यह कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। ये कमेटी मनपा के लेवल पे नहीं गठित की गई है, बिकॉज मनपा के लेवल पे कमेटी करने के बाद थोड़ा उसमें एक आरोप हो सकता है कि आप खुद का प्रॉब्लम जो है वो खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हो, दैट इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस। तो स्टेट लेवल के हायर ऑफिशियल्स की कमेटी गठित की गई है और मुझे विश्वास है कि उनके जरिए इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जो कर्मचारी का वैकेंसी का मुद्दा है उसमें नर्सेस, फॉर एग्जाम्पल नर्सिंग केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 2 महीनों में हमने 40 नर्सेस की यहाँ पे भर्ती की है, अभी 20 वैकेंसीज है। कोविड का स्टाफ जो था 500 लोग हमारे पास थे जिनको अभी तक हमने रिलीज नहीं किया है, जो वेरियस नागरी आरोग्य केंद्र में काम करता था उसको हमने सारे पिछले महीने ही अपने हॉस्पिटल में डेब्यूट किया है, सो दैट यहाँ पे पेशेंट केयर अच्छी दी जाए। मैं मंत्री महोदय से मिल के आता हूँ।